हाँ जी साढ़े चार करोड़ का राजा का। हाँ जी साढ़े चार करोड़ का होना जी, इसमें रानियां भी है जय माता। हाँ जी राजा का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं राजा और रानी अर्धांगिनी का, हम अंदर संभालेंगे तुम बाहर संभालो। अगर अंदर का कारोबार छूट जाए तो राजा बाहर से कामयाब हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए दोनों को वर्षा मिलता है। हाँ रानियां ज्यादा फायदे में रहती हैं या राजाएं ज्यादा फायदे में रहते हैं कैसे? मंदुष्टि का सुख मिलता है, मंदुष्टि का सुख राजा को मिलता है। हाँ जो मनोबुद्धि रूपी आत्मा है उस आत्मिक सुख को राजाएं प्राप्त करते हैं और रानियां दैहिक सुख को प्राप्त करती हैं। और तुम्हारा एक अक्षर भी वैल्यूबल है पतितों को पावन बनाने के लिए, वो कौन सा ऐसा अक्षर है जो पतित से पावन बन जाते हैं, जो एक नंबर के इतनी पावर हो जाएगी, कौन सा अक्षर है? बाबा शब्द को अक्षर कह देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा अक्षर है? है आत्मा ज्योति बिंदु कहने से पतित से पावन बन जाएंगे क्या? आत्मा ही सो परमात्मा है फिर? मेरा बाबा। हाँ एक ही अक्षर है मन मना भव मेरा बाबा, इतना कहने से लेकिन दिल से मुख की आवाज से कहने की बात नहीं है। और राजेश भाई का प्रश्न है, जो सत्य में जो साढ़े चार लाख है जो कंचन गाय बने, हाँ जी सत्य में जो वो बर्फ के नीचे चला जाता है शरीर, सत्य में साढ़े चार लाख कंचन काया बनेंगे संगम युगी स्वर्ग में। हाँ इसमें वो तो बर्फ के नीचे शरीर चले जाते हैं, हाँ जी तो शरीर तो वापस मिल जाता है। हाँ। लेकिन जो अभी जो हाथी वो ये जो जानवर दिखाई देते हैं, हाँ। उनका भी आत्मा परतम चले जाता है ऊपर, बिल्कुल तो वो वापस आके उनके शरीर कैसे बनते हैं? उनके सबके शरीर नहीं बनते हैं, उनमें भी जो सात्विक आत्माएं होती हैं उनके ही शरीर तैयार होते हैं, दूसरों के नहीं होते हैं, सबके नहीं होते हैं, वो संघ के रंग से सात्विक बनती हैं आत्माएं। क्या जो आत्माएं योगी आत्माओं के संघ के रंग में रहेंगी वो सात्विक बनेंगी, उनके ऊपर वाइब्रेशन का असर पड़ेगा, सबके ऊपर असर नहीं पड़ता। चौरासी लाख योनियों में और चौरासी जन्मों में कितना परसेंटेज है? अरे कुछ हिसाब है, योनियां कितनी है? चौरासी लाख योनियां भी हैं और चौरासी जन्म भी हैं, तो एक एक जन्म में कितनी योनियां उतरती रहती है? एक लाख योनियां उतरती है। तो पहले जन्म में जो एक लाख योनियां उतरेंगी वो चौरासी जन्म लेने वाली होंगी, जानवरों या पशु पक्षियों की, ऐसे नहीं सत्युग में जानवर या पशु पक्षी होंगे ही नहीं, सत्युग में तो होंगे लेकिन संगम के आदि में नहीं होंगे।
संगम की आदि में कौन मनुष्य रूप बीज रूप आत्माओं के अंदर ही सब जानवर पशु पक्षियों के बीज समाये हुए हैं। बीज रूप आत्माओं में भी कोई हाथी जैसे पुरुषार्थी है, कोई घोड़े जैसे पुरुषार्थी है, उनमें भी जानवरियत भरी हुई है। शंकर भाई पूछ रहे हैं, जो सात हंस ने सात जो अच्छे को मार डाले, हाँ जी, और आठवां जो है वो बच्ची के रूप में निकलता है, वो आठवीं बच्ची पैदा हुई, वो तो कंस का देवकी का बच्चा था ही नहीं, बच्ची थी नहीं, वो देवकी की बच्ची थी क्या? यशोदा की बच्ची पैदा थी, पैदाइश थी, या देवकी पैदाइश थी? हाँ, और प्रीतम भाई पूछ रहे हैं, जो फॉक्स होता है ना, फॉक्स मुर्गी को खाता है, हाँ जी, उनका हिसाब किताब कैसे बनता है? ये तो पक्षी है, फॉक्स पक्षी नहीं है, फॉक्स तो जानवर है ना, हाँ जी, पक्षी है वो, मुर्गी को खाता है। जो मुर्गा मुर्गी है उनमें भी अनेक जाति के पक्षी होते हैं, एक जाति के पक्षी नहीं होते, कोई तो बाज जैसे होते हैं, बाज की तरह जो तीखे होते हैं वो लोमड़ी के बच्चों को भी खा जाते हैं, तो उनका हिसाब किताब बनता है। हाँ, हाँ जी, विक्रम भाई को पूछते हैं, ये जो भक्ति मार्ग में शंकर राम कृष्ण इनके सब चेहरे एक जैसे दिखाते हैं, तो सत्युग में भी हमारे चेहरे एक जैसे ही होगा सबका, नारायण का? अरे वो सत्युग का भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में जो भी चित्र दिखाए हैं वो कहाँ की यादगार है? फिर संगम युग में तो हे कृष्ण नारायण वासुदेव अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम, सबको एक श्लोक में इकट्ठा कर दिया है, वो एक ही चेहरे में प्रत्यक्ष होते हैं या अलग अलग चेहरे हैं? एक ही चेहरा, सत्युग त्रेता की तो बात ही नहीं है, चेहरा सबका एक जैसा रहेगा ना, फिर वही सबका कहाँ है जो अच्युतम है? अच्युत कौन है? शिव, वो शिव कौन से चेहरे में आता है? हैं? अरे शिव कौन से चेहरे में आता है? शंकर के चेहरे में। केशवम का माने ब्रह्मा, ईशव माने ईश्वर, ब्रह्मा का ईश्वर कौन है? शंकर। तो शंकर का और अच्युतम का चेहरा एक ही है कि अलग अलग है? एक ही चेहरा है। राम एक ही चेहरा है या अलग चेहरा हो गया? नारायण वही चेहरा है या दूसरा चेहरा हो गया? कृष्ण संगमयुगी वही चेहरा है या दूसरा चेहरा हो गया? और जो ब्रह्मकुमारी जो प्रजापिता नाम ऐड करते हैं तो वो इनको प्रजापिता समझ के अभी टाइटलधारी को, टाइटलधारी ब्रह्मा को ही समझ लेते हैं प्रजापिता, लेकिन टाइटल जिसको मिलता है वो अलग होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल अलग होता है,
ओरिजिनल प्रिंसिपल की ना मौजूदगी में फिर टाइटलधारी बैठाया जाता है। पूछा है 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो कलाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं या रोशनी घटती बढ़ती का नाम कलाएं है? चंद्रमा की रोशनी घटती है तो कलाएं घट गई, चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो ऐसे ही आत्मा की रोशनी बढ़ती है तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। और सतयुग आदि से सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती है तो कहते हैं कलाएं कम होती जाती है। और मुरली में आया है, तुम इनकी श्रीमत से खर्च करेंगे बाबा, आप खर्च करने के लिए मना तो नहीं करते हैं? इसमें इनकी श्रीमत से खर्चा करने का फिर मतलब क्या रह गया? बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों का फर्ज है, अगर ट्रस्टी बने हैं ईश्वरी है संपत्ति के, तो जो ट्रस्टी है वो पूछ पूछ के काम करता है या मनमाने तरीके से काम करता है? पूछ पूछ के करता है। तो अगर अपने को ट्रस्टी समझते हैं तो बाबा से पूछ पूछ करके काम करें, ट्रस्टी नहीं समझते हैं, खुद अपने को मालिक समझते हैं, तो चाहे जैसे करो। बाबा भील अर्जुन से भी तीखा चला गया, अर्जुन राजमहलों में रहकर पुरुषार्थ करता था, पढ़ाई पढ़ता था, और भील बाहर रहता था, जंगल में रहता था। तो बाबा भील राम वाली आत्मा को बताया, फिर ये अर्जुन कौन है? राम वाली आत्मा कभी कांटों के जंगल में रहकर पुरुषार्थ करती है या नहीं करती है? कब करती है? अभी करती है या पहले करती थी? '69 से '76 जंगल में रहती थी, जंगल में रहती थी या पांडवों के बीच में, कौरवों के बीच में रहती थी? हाँ, तो उसके ही दो रूप हैं, एक तो राज परिवार में रह करके बेसिक पढ़ाई पढ़ना और दूसरा भील जैसा जीवन व्यतीत करते हुए कांटों के जंगल में, कांटों के जंगल की दुनिया में रह करके पुरुषार्थ करना, वो दो रूप हो गए। पहले राजाएं निकले तो उन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तो बाबा ये कौन से राजाओं और रानियों की बातें हैं जो अपन को अभी समझते हैं? क्या समझते हैं? कि हम विजयमाला का मणका बनने वाली रानियां और हम रुद्रमाला का मणका बनने वाले राजाएं हैं, उनकी बात है। जो बंधन में है वो रानियां हैं,
वो रानियों को जब पक्का निश्चय हो जाएगा कि बाप आया हुआ है तो किसी की नहीं सुनेंगी, निकल पड़ेंगी, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कोर्ट पर भी चढ़ जाएंगी, कोर्ट में चढ़ करके अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का वर्षा ले लेंगी, किसी की नहीं मानेंगी। षष्ठी चक्र का राज समझाते हैं, ये भी पावन होने का साधन है। तो बाबा इसका क्या अर्थ है? मनन शक्ति के राज से पावन कैसे बनेंगे? चक्र घुमाना, षष्ठी चक्र का ज्ञान देना, जो मनन चिंतन मंथन करते हैं वो ही दूसरों को सही रूप में ज्ञान सुना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान उनका अपना हो जाता है। कोई भोजन खाए और चबाए नहीं, ऐसा ही खा जाए तो भोजन पचेगा या ऐसा ही निकल जाएगा? ऐसा ही निकल जाएगा। तो यही बात है, भगवान ने तो ज्ञान दिया, लेकिन भगवान के दिए हुए ज्ञान को मनन चिंतन जिसने नहीं किया, मंथन नहीं किया, वो दूसरों को असली रूप में समझा नहीं सकता, और जब समझा नहीं सकता तो वर्षा भी नहीं दिला सकता। जो अच्छी तरह समझाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप याद करते हैं। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा वो बच्चे पावन बनेंगे या नहीं बनेंगे? है? बाप जिन बच्चों को याद करेगा वो बच्चे पावन बनेंगे या नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। और कन्याकुमारी में देवी कुमारी का मंदिर है, तो कुमारी का मंदिर है, कुमारी का मंदिर है, तो बाबा ने बोला है कुमारी जो है लक्ष्मी है, कुमारी लक्ष्मी है, तो संगम युग में ऐसे यादगार बनता है कि वो कन्याकुमारी दूर है या नजदीक है? हैं? और वर्तमान संगम युग में भी दूर है या नजदीक है, रुद्रमाला की तरह हैं? तो यादगार बना हुआ है, हैं? हाँ हाँ, केरला के भी दक्षिण में है, केरला में भी उत्तर में नहीं है, कहाँ है? एकदम दक्षिण में है। अभी तो तमिलनाडु के अंदर है, अभी तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु वाले तो भाषा को भी नहीं मानते। इंद्र को लंपट और ईर्ष्या वाला होकर पुराणों में कहते हैं, लेकिन वेदों में इंद्र का गायन है, ऐसे क्यों होता है बाबा? पहली बात आती है, इंद्र वाली आत्मा कौन? इंद्र का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में? प्रजापिता है, वो ईर्ष्या करती है, वो लंपट है, बापट है। जब बाप लंपट है तो बच्चा क्या बनेगा? है? जब बाप लंपट है तो बच्चा क्या बनेगा? अरे बोलते काहे नहीं, है? या तो लंपट का अर्थ नहीं जानते। लंपट कहा जाता है जो दूसरों की औरतों की पिछाड़ी पिछाड़ी फिरता है,
उन्हें दूसरे शब्दों में कीचक भी कहा जाता है, जो कन्या माताओं के पीछे पीछे फिरते हैं उनको लंपट कहा जाता है। तो क्या प्रजापिता कन्याओं माताओं के पीछे पीछे फिरता है कि उल्टी बात है? कन्याएं माताएं प्रजापिता के पीछे फिरती हैं कि प्रजापिता कन्या माताओं के पीछे पीछे फिरता है? तो ऐसे नहीं है। बाबा ने तो कहा है कि शास्त्रों में जो लिख दिया है 16108 कन्याओं माताओं को भगाया, यह है ब्रह्मा की कहानी। ये ब्रह्मा की कहानी नहीं है। किसकी कहानी है? कृष्ण की कहानी नहीं है, ये प्रजापिता की कहानी है। और भगाया कहाँ? मैं थोड़े ही के को भगाता हूँ, वो खुद भाग करके आती है या मैं भगाता हूँ? शिव बाबा भगाता है प्रजापिता के तन में आकर या वो खुद भाग करके आती है? है? अरे नहा नहा हूँ, वो तो खुद भाग करके आती है। तो ऐसे नहीं है कि प्रजापिता लंपट है। इंद्र को लंपट दिखाया है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मा वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा की कहानी है, प्रजापिता की कहानी नहीं है। ब्रह्मा अर्थात कृष्ण वाली आत्मा के पीछे नहीं भागी। किसके पीछे भागी? यज्ञ के आदि में प्रजापिता के पीछे भागी। बाद में चिकने और चुपने चुपड़े शरीर वाले और ज्यादा पैसे वाले व्यक्तित्व ने उन आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया, तो बाद में सारी बात ही पलट गई और प्रजापिता की तो लाश भी गुम कर दी लंपटों ने। तो इंद्र की कहानी है अर्थात किसकी कहानी है? हैं? ब्रह्मा की कहानी है। ईर्ष्या वाली आत्मा है। पुराणों में कहते हैं इंद्र के लिए, लेकिन वेदों में इंद्र का गायन है। वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। भगवान ने ब्रह्मा के मुख से आके वेदवाणी चलाई। तो ब्रह्मा की आत्मा अपनी बढ़ाई करेगी, महिमा करेगी या ग्लानि करेगी? अपने मुख से अपनी क्या करेगी? महिमा ही करेगी। अष्टदेवों में एक इंद्र सूर्यवंश हो तो भी बुद्ध देव से भी कनेक्शन दिखाते हैं। ऐसे क्यों होता है कि दो तरह से दिखाते हैं? जो भी अष्टदेव हैं वो अष्टदेव एक ही कैटेगरी के हैं या उनकी कैटेगरीज में कोई अंतर भी है? भले सूर्यवंशी हैं, परंतु सूर्यवंशी होते हुए भी उन आठ में थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग का अंतर है, इसलिए ये अंतर पड़ जाता है पूर्वज से जन्म लेने वाले बच्चों में। कोई बौद्धि बनते हैं, कोई क्रिश्चियन बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। और कहते हैं अति का अंत होता है, तो बाबा कहते तुम बच्चे अति नहीं कर सकते, तुम बच्चे नंबर वार शक्तिशाली हो, इसलिए बाप को ही विकारों की अति करने के लिए आना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा विष कौन पीता है? शंकर के लिए दिखाते हैं, तुम बच्चे तो इतना विष पी ही नहीं सकेंगे जो पापों की अति हो जाए, इसलिए मैं ही शंकर में आकर के सब विकारों को सोखता हूं।
विनाश होते ही है इम्प्रैक्ट, वो शिष्टाचारी से स्थापना होती है, पवित्रता से स्थापना होती है और अपवित्रता से विनाश होता है। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, ये विष पीना पवित्र काम है या पवित्र काम है दुनिया की दृष्टि से है अपवित्र काम है। गोप गोपी माना गुप्त पुरुषार्थी, तो जो अभी प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कौन है, जो गोप गोपी का प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं। गोप का मतलब गुप्त, गुप्त वो हो जिन्होंने गुप्त बाप से संबंध जोड़े हुए हैं। मान लो बाप को अपनी बहन दी हुई है, भांजी दी हुई है, बेटी दी हुई है, तो वो अंदर से समझते हैं कि हमने बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़ा है, दुनिया इस संबंध की बात की गहराई को नहीं समझेगी। दुनिया वाले जिन्होंने अपनी बहन नहीं दी है, कन्या नहीं दी है, अपनी भांजी नहीं दी है, वो बाप के ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि बाप ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन जिन्होंने दी है वो तो दिल का टुकड़ा दिया हुआ है, वो अपनी कन्या के ऊपर और बाप के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। इसलिए गुप्त संबंध उन्होंने जोड़ा हुआ है, जिन्होंने गुप्त संबंध नहीं जोड़ा हुआ है वो तो गुप्त पुरुषार्थी है ही नहीं। गुप्त पुरुषार्थी वो है जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा हुआ है। अब वो चाहे गोप के रूप में हो या डायरेक्ट गोपी के रूप में हो, जिन गोपियों ने डायरेक्ट संबंध जोड़ा हुआ है वो भी संसार की दृष्टि में गुप्त रहती हैं, संबंध जोड़ने के हिसाब से या प्रत्यक्ष होकर रहती हैं कि हमने संबंध जोड़ा है, ढोल बजाती हैं, हैं? ढोल बजाती हैं? नहीं, गुप्त रखती हैं। तो वो बात है गोप गोपी की। गुप्त पुरुषार्थी का मतलब ऐसा पुरुषार्थ किया है संबंध जोड़ने का जो गुप्त है, दुनिया उस बात की गहराई को नहीं जानती, जिन्होंने जोड़ा है वो जाने, जिन 16,000 ने जोड़ा है वो इस गहराई को समझ सकते। कोर्स में बताते हैं कि चार बातों पर निश्चय होना चाहिए, स्वयं पर निश्चय होना चाहिए, बाप पर निश्चय होना चाहिए, ड्रामा में निश्चय होना चाहिए और ब्राह्मण परिवार में निश्चय होना चाहिए। ये ठीक है क्या? इसमें गलत बात क्या है? बाप के ऊपर निश्चय हो, अपने ऊपर निश्चय हो, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय हो और ड्रामा पर निश्चय नहीं है तो भी निश्चय बुद्धि कहेंगे या अनिश्चय बुद्धि कहेंगे? तो भी अनिश्चय। चार बातों में से एक बात में भी अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो भी अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। तो चारों ही बातों पर निश्चय बुद्धि होना चाहिए। माला की दाना वही बनेंगे जिनकी कर्मातीत अवस्था होगी। परंतु याद तभी आता है जब लगाव और अटैचमेंट हो, और लगाव तो साकार से ही होता है और कर्मातीत अवस्था और अटैचमेंट दोनों बातें एक है क्या, अरस्परस है क्या? अन्य मनुष्य आत्माओं के लिए अरस्परस नहीं है लेकिन परमात्मा पार्टी के लिए अरस्परस है। परमात्मा पार्ट में अगर अटैचमेंट है तो परमात्मा तो
जिसे परमात्मा हीरो पाटधारी कहा जाता है, आज पुरुषार्थी जीवन में कर्मातीत नहीं है, लेकिन कल क्या हो जाएगा? कल कर्मातीत हो जाएगा। इसलिए उसके साथ अटैचमेंट अटैचमेंट नहीं कहा जाएगा, सारी दुनिया से डिटैच हो जाएगा। और बाबा बोले कि नारी चोला है तो लक्ष्य धारण करना है लक्ष्मी जैसा बनने का, तो क्या रुद्रमाला में जो नारी चोला वाले हैं उनके अंदर भी लक्ष्मी का गुण आना चाहिए? जबकि बाप कहते हैं फॉलो फादर, तो बाप के गुण आवेंगे या लक्ष्मी के गुण आवेंगे? किसके गुण आवेंगे? अरे बाप के गुण आवेंगे। और बाप के गुण आवेंगे तो राजा बनेंगे या लक्ष्मी बनेंगे? राजा बनेंगे, भले स्त्री चोला हो तो भी राजा ही बनेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार राजा बनने के होंगे या अधीन रहने के होंगे? क्या होने के होंगे? राजा बनने के संस्कार होंगे तो हो रुद्रमाला का ही मणका बनेंगे। पार्वती जब ज्ञान स्नान करती है तो उनके शरीर के संकल्पों की जो कचरा निकलती है उससे गणेश का जन्म दिखाते हैं। तो क्या पार्वती की ज्ञान स्नान जो हो रहा है या होने वाला है जो गणेश वाली आत्मा को निश्चय पैदा करने का आधार बनती है? हाँ बनती है। इसलिए जानवर का चेहरा पैदा होता है या मनुष्य का मनुष्य ही रहता है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार? जानवर जैसा चेहरा हो जाता है। और भट्टी जब तक चलेगी, जब तक 4.5 लाख की संख्या कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अभी तो आते ही रहते हैं और भट्टी में से आने के बाद फिर क्या होता है? टूट जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, तो संख्या पूरी हो ही नहीं पाती, राजधानी तैयार ही नहीं हो पाती। तो जब कंप्लीट राजधानी तैयार हो जाएगी फिर भट्टी करने की दरकार नहीं रहेगी। भट्टी किसके लिए कराई जाती है? है भट्टी कराई ही कराई जाती है राजधानी तैयार करने के लिए। तो राजधानी में कितने होंगे? नहीं, 16108 तो राजा रानी हुए या राजा रानी के रूप में मर्तबा पाने वाले हुए। लेकिन जो मर्तबा पाने वाले हैं उन मर्तबा पाने वालों का फॉलोअर्स भी तो होंगे, वो कौन है? उनकी प्रजा। तो राजधानी में सिर्फ राज परिवार वाले ही होंगे या प्रजा वाली आत्माएं भी होंगी? प्रजावर्ग की आत्माएं भी होंगी। माना 4.5 लाख मनुष्य आत्माओं की भट्टी होनी है कम से कम। अभी तो लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, 4.5 लाख तो बहुत ऊंची बात है। और अब पेंशन पाए कब तक बनेंगे? जब कर्मातीत अवस्था हो, कर्मातीत अवस्था होने के साथ साथ जब परम धाम से आत्माएं वापस उतरने लगे तभी कंचन काया बने।
तब तक शरीर सड़ते जावेंगे या कंचन काया बनेगी? शरीर सड़ते जावेंगे या आत्मा पावरफुल होती जावेगी? अभी 2012 आ रहा है। क्या हुआ 2012 से प्रभावित हो क्या है? बार बार 2012 याद आ रहा है, बोलो ना। है? चेंजेस दिखाई देंगे? चेंजेस दिखाई देंगे ना? क्या कुछ परिवर्तन हो गया ना 2012? किसने बोला? चेंजेस तो हर समय होते ही रहते हैं, कभी खास परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, कभी सामान्य परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो नियम है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि ये 12 साल के जो टाइम है, 12वां साल को जो गायन है पांडवों का और राम संप्रदाय का, कि 14 साल वनवास में रहे, 12 साल वनवास किया, 13वां साल गुप्तवास हुआ, उसका अंतिम टाइम है। ये टाइम पूरा हुआ, अब महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है। राम रावण युद्ध कहो, महाभारत युद्ध कहो, देवासुर संग्राम कहो, बात एक ही है। क्राइस्ट ने कैसी पवित्रता को धारण किया जो उसको सूली पर चढ़ाया जाता है? क्राइस्ट ने दृष्टि की पवित्रता को धारण किया। क्राइस्ट की आंखों में पवित्रता झलकती है या अपवित्रता झलकती है? हैं? पवित्रता झलकती है। उस पवित्रता की बात को तत्कालीन जितने भी गुरु हुए वो नहीं समझ सके और उन्होंने क्राइस्ट की हत्या कर दी। आठ देव नई दुनिया में नए घर में रहते हैं, ऐसे तो नहीं कहा कि अष्ट देव नए घर में रहते हैं, ये कहा आना जाना करते हैं। जो नई दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है उस फाउंडेशन में उनका आना जाना होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब परमानेंट वहां रहते हैं। नई दुनिया के मुखिया हैं, मुख्य पुरुषार्थी हैं, तो आना जाना नहीं करेंगे तो उस नई दुनिया की परवरिश कैसे होगी? परवरिश करने के लिए तो आना जाना करना पड़े ना। जैसे बाप होता है विदेश में कमाई करता है, बाहर कमाई करता है, माँ घर संभालती है, तो क्या बाप को घर में आना जाना नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। और अनिल भाई पूछ रहे हैं ये जो 2036 के बाद कंचन काय बनेगी ना? हाँ जी। अब तक बनते रहेंगे, नंबरवार बनती रहेगी जब तक के 9 लाख की जनसंख्या पूरी न हो जाए। नौ लाख की जनसंख्या कब पूरी होगी? है 2036 में होना चाहिए। अच्छा, 2036 में एक साथ सब आत्मा इकट्ठी नीचे उतर पड़ेंगी 9 लाख? सत्य में स्टार्ट होते ही 9 लाख होना चाहिए। हैं?
स्टार्ट होते ही सतयुग आदि से जब शुरू करेंगी उतरना तो एक साथ उतर पड़ेंगी या धीरे धीरे उतरती रहेंगी। राधा कृष्ण जैसे बच्चे एक साथ जन्म ले लेंगे 4.5 लाख या धीरे धीरे जन्म लेंगे है? धीरे धीरे जन्म लेंगे। 150 साल लग जाएंगे, 150 साल में दुनिया की आबादी 9 लाख हो पाएगी। एक्यूरेट सतयुग तब कहेंगे जब 9 लाख आबादी हो। ओम शांति। जो स्वेरनी शक्ति होगी वो स्वेच्छा से चलेगी या किसी की गला पकड़ने से चलेगी? हैं? स्वेच्छा से चलाओ। पहले पूछ लो उनसे कि आपका आपको सेवा करनी है या नहीं करनी है। और बाबा केरला से एक पुस्तक है ओणम, जैसे बाबा होली रक्षाबंधन का बहुत कुछ आप बताया। ओणम में एक असुर राजा बोलते हैं महाबली, उसका राज क्या था? महाबली तो राजा बली है, बली की है। उसको कौन मात देता है आकर? राजा बलि को मात कौन देता है? बामन अवतार। बावन अंगुल का कोई ब्राह्मण है, छोटे कद का, देखने में छोटा लगता है लेकिन छोटा नहीं है, सारा उनका राज्य नाप लेता है। वो किसकी संतान है? राजा बलि को मात देने वाला बामन अवतार किसकी संतान है? है? प्रहलादी संतान है। महाबली प्रहलाद का संतान, महाबली प्रहलादी संतान है। विष्णु के अवतार, अवतार है तो विष्णु का अवतार। लेकिन कोई अम्मा के पेट से जन्म लेता है या ऐसे ही टपक पड़ता है? वो तो कौन अम्मा है? अदिति है। दिति माने खंडित, व्यभिचारिणी। अदिति माने जो अव्यभिचारिणी है, खंडित नहीं है, उसका कौमार्य खंडित नहीं हुआ है, अदिति की संतान है। और गहन पूछ रहा है, बट्टी बट्टी पूजा होने के बगैर बाबा को मिल सकता नहीं? पको तो पहले, बच्चा गर्भ में पके बगैर 9 महीने जब तक पकता नहीं है उससे पहले ही बाप 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 को पहचान लेगा, बाप का बच्चा बन जाएगा, बन जाता है। अरे इनसे पूछो इनकी भाषा में। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि केरल में 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, क्या जब बाबा आते हैं इन्होंने भी भट्टी का निश्चय कर लिया है, हाँ, जिनका और जो बुक भी कर लिया, हाँ, वो बाप निश्चय कर लिया माने, निश्चय कर लिया माने बाप की परमिशन है। हाँ, बाप की परमिशन है तो मिलो। बाबा इस योग्य समझते हैं कि ये बच्चा जन्म ले चुका है, आज नहीं तो कल, इसे तो निश्चय बुद्धि बन ही चुका है, इसके प्रूफ लेने की दरकार नहीं है। तो बाबा को जिन बच्चों के ऊपर निश्चय हो गया, बच्चे ने एक कदम बढ़ाया तो बाबा 100 कदम आगे आते हैं। बच्चे ने एक कदम तो बढ़ाया, रिजर्वेशन किया कि नहीं किया? ऐसे ही जेब के नोट पैसे खर्च कर दिए, निश्चय है तभी तो खर्च किया। तो उसने एक कदम बढ़ाया कि नहीं? उसने एक कदम बढ़ाया, बाबा 100 कदम आगे आ जाता है। कईयों को संशय है, किस बात का संशय?
बिना पट्टी करके बाप के सामने बिठाया है। तुम भी ऐसे योग्य बनो, आकर के 7 दिन का कोर्स लो, कोर्स लेने के बाद निश्चय पत्र लिखो सादा कागज पर निश्चय पत्र लिख करके रिजर्वेशन कराओ, जेब के पैसे निकालो। कईयों ने ऐसा बोला कि ये श्रीमत के खिलाफ है, ये सब बातें इधर चल रही है, चल रही है। ये सब कायदे कानून इसलिए निकाले गए हैं कि वो जो विदेशी हैं, विदेशी सभ्यता फैलाने वाले या विदेशियों के प्रभाव में, रावण के प्रभाव में आने वाले, वो उनकी सीआईडी बहुत तीखी है। वो तीखी सीआईडी वाले हमारे अंदर घुस करके और कुछ उलट पलट बातें पकड़ करके दुष्प्रचार करना चाहते हैं अखबारों में। उनके दुष्प्रचार से बचने के लिए ये कड़े कड़े नियम बनाए गए हैं कि जब तक भट्टी न कर लें, जब तक रेगुलर क्लास न करें, भट्टी करने वाले भी वो बाबा की क्लास में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, माने उनको निश्चय नहीं है। बाबा ने बोला हुआ है जो बच्चा 2 महीने तक बाबा से कनेक्शन ही नहीं जोड़ा हुआ है तो वो बच्चा मर गया, तो मुर्दों से थोड़ी कनेक्शन रखेंगे। तो नियम कड़े बनाने पड़ते हैं। पहले ऐसा नियम नहीं था, एडवांस पार्टी में भी कोई भी आता था कंपल में जाके भट्टी करता था, उसको कोई भी बंधन नहीं था। अब ये नए नए कानून बनाने पड़ रहे हैं। क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी, एक भी दुराचारी, एक भी कीचक, एक भी भ्रष्टाचारी इसमें पांव, इस किले में पांव नहीं रख सकेगा। अभी तो हिम्मत करते हैं अंदर घुसने की। और अष्टदेव, अष्ट रत्न और नवग्रह, बीच में थोड़ा सफाई से समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अष्टदेव, देव, रुको, 3 बातें बताई तुमने, एक अष्टदेव, एक अष्ट रत्न और एक नवग्रह अष्टग्रह, नवग्रह अष्टग्रह, तो इनमें समझ में ना आने वाली बात तो कोई है ही नहीं। देव कितने जन्म लेते हैं? वो सब 84 जन्म लेने वाले हैं। सब हीरो पार्टधारी हैं या दूसरे दूसरे रत्न भी हैं? वो सब हीरो पार्टधारी यथा राजा तथा प्रजा हैं। प्रजावर्ग की भी आत्मा है तो वो भी राजा क्वालिटी की है। पहले जन्म की प्रजा में भी कोई खसूसियत होती है जो दूसरे जन्म की प्रजाओं में वो खसूसियत नहीं है। तो वो सब हीरो हैं, 8 के 8 हीरो हैं। इसके बाद रतन, रतन एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं या बराबर वैल्यू के होते हैं? मोती, माणिक, मूंगा, पन्ना, एक ही कीमत होती है या अलग अलग कीमत होती है? अलग अलग कीमत वाले हैं। तो वो अलग अलग धर्मों के जो मुखिया हैं वो रतन हैं, समझा? अलग अलग धर्मों के जो अलग अलग मुखिया हैं वो रतन हैं, उनकी वैल्यू एक दूसरे से कम भी हो सकती है। लेकिन जो हीरो पाठधारी अष्टदेव हैं वो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। वो रतन पूरे 84 जन्म लेने वाले हो या न हो। और फिर आगे ग्रह, उन ग्रह में घर गृहस्थ ग्रह में सब आते हैं कि माँ बाप, सिर्फ बाप ही बाप आता है? माँ बाप, बच्चे, संबंधी सब आ जाते हैं, तो पूरा ग्रह गृहस्थ बनता है। तो उसे ऊपर से आने वाली इब्राहिम की आत्मा भी आ गई, जिसमें प्रवेश किया वो भी आ गई, उसका बाप वो भी आ गया, उसको जन्म देने वाला परबाबा वो भी आ गया, वो ग्रहग्रस्त हो गया, वो ग्रह हो गया। इसलिए उस ग्रह में
नौवां भी शामिल कर दिया है, नवग्रह है। आठ में वो नहीं है, नवरत्न में वो भी शामिल कर लिया गया, नौवां नंबर। आठ में वो नहीं है, वैल्यूलेस नहीं है, वो तो बहुत वैल्यू वाले हैं। बाबा अभी गीता पाठशाला में जो आ रहे हैं वो परिवार में पूजा अर्घ जानने हैं, हैं? परिवार पूजा अर्घ जानने हैं और पति भी कर चुके हैं, तो उसके घर में हम लोग इकट्ठे बैठ के संगठन वास करा सकते हैं? नहीं, गीता पाठशाला में ही संगठन होना चाहिए। नहीं बाबा, एक एक चोट में गीता पाठशाला नहीं है। जहाँ गीता पाठशाला नहीं है वहाँ जाने के लिए क्लास नहीं होता है वहाँ? क्लास नहीं, क्लास किसी के घर में बैठ करके क्लास नहीं करते हैं? दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, उधर गीता पाठशाला नहीं है, नहीं तो उन लोग बड़ी कर लिया, उनको भी क्लास करने के लिए एक ही कटी होना चाहिए। वो संगठन क्लास के लिए आते हैं में एक बार। गीता पाठशाला में आते हैं, आते हैं। तो बस ठीक है, इतना काफी है, वो जाने के लिए टाइम नहीं, बहुत दूर है। कोई बात नहीं, अपने घर में बैठ करके मुरली रोज सुने, उसका प्रूफ ये है कि यहाँ से बीसीडी ले जाएंगे, डीवीडी ले जाएंगे, तो साबित होता है कि हाँ वो पढ़ते हैं। ठीक है बाबा, सभी को पूछ रहे हो, वो वहाँ तो हम सभी जाके संगठन क्लास नहीं है, वैसे तो संगठन वही करना है जहाँ गीता पाठशाला है, संगठन वही करना है जहाँ मिनी मधुबन है, संगठन कभी ऐसा जरूरत पड़ रही है तो वहाँ करना है जिस परिवार में पूरे के पूरे सदस्य एडवांस में आ गए, वहाँ संगठन कर लो। गीता पाठशाला में सब बंद करके गीता पाठशाला वाला सभी वहाँ जा सकते हैं, जिसका पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है, एडवांस में चल रहा है, हाँ वहाँ जाएं। गीता पाठशाला बंद करके क्यों जाएं? करते नहीं भाई, गीता पाठशाला बंद नहीं करनी है कभी, पाठशाला बंद नहीं करनी है, नहीं तो गीता पाठशाला एक सदस्य जाए और एक सदस्य गीता पाठशाला संभाले। 7 बजे तो 8 बजे तक गीता पाठशाला में क्लास होता है, हाँ जी, उसके बाद 10 बजे 11 बजे में उधर चलते हैं। संगठन तो दोपहर को ही होते हैं मोस्टली, गीता पाठशाला क्लास सुबह शाम होता है। बाबा के चंद्रमा में चंद्रमा और स्टार दिखाता है, चंद्रमा का अर्थ है, चंद्रमा का अर्थ, चंद्रमा का अर्थ ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा की रहबरी में पला है इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे दूसरे जितने भी धर्म हैं विधर्मी, वो किसकी गोद में पले हैं? ब्रह्मा जगदम्बा की गोद में पले हैं। श्री चंद्रमा दिखाते हैं, दान देते दोनों को देना चाहिए ना, है दान देने वाला दोनों को दान देने चाहिए ना, दान माने जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा, वो तो दोनों एक ही हैं, अलग कहाँ है, जगदम्बा डब्बा है, ब्रह्मा बाबा आत्मा है, वो दोनों मिलके एक ही हैं, अलग अलग हैं। नहीं तो एक को देते पास है, एक को देते पास है, जो सन्यासी हैं वो गौमुख में ही हाथ डालेंगे, वो आत्मा को थोड़े ही पकड़ेंगे। अरे जगदम्बा में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? नहीं दोनों को मिलती है ना। अरे भाई जब बुद्धि में ये बात होगी कि हम तो चंद्रमा को दान दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं चंद्रमा के शरीर को दे रहे हैं या आत्मा को दे रहे हैं या दोनों को अलग अलग दे रहे हैं, नहीं चंद्रमा को दे रहे हैं तो माना मुर्दा को नहीं दे रहे हैं, चैतन्य को दे रहे हैं या मुर्दा को दे रहे हैं? चैतन्य को दे रहे हैं। बाबा हम लोग 50 किलो नोट से आते हैं, मैंने एक बार इधर आया। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आपका, और कन्नौर भी जाना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, आप जाना चाहें जाएं, महीने में एक बार
बाबा की क्लास में दर्शन होते रहे, बाबा को ये लगे कि हाँ ये बच्चा अपना घर समझता है, बाबा के घर में घर का बच्चा है, बाबा के दर का बच्चा है, बाहरी दुनिया का बच्चा नहीं है। लेकिन बाबा को भी तो विश्वास बैठना चाहिए। और वो दूर का है तो, और नजदीक का है तो और जल्दी जल्दी आना चाहिए। ऐसे दूर से भी आने वाला है तो भी दो महीने में एक बार तो आ ही सकता है। अरे नॉर्थ इंडिया में देखो 8-8 घंटे ट्रेन का सफर करके बाबा के क्लास में पहुंच जाते हैं, और बाबा की क्लास में पहुंचने के लिए शर्त लगी हुई है 2 महीने में एक बार क्लास जरूर करना है, वो भी अटेंड कर लेते हैं। संडे का बड़ा संगठन, मासिक संगठन, उनकी तो नॉर्थ इंडिया वालों की अकड़ तो इतनी जामड़ी है कि वो नहीं उतना नहीं पहचान पाते बेचारे, भले लैंग्वेज जानते हैं, शास्त्रों की जानकारी है, लेकिन लेकिन बाप की पहचान में बहुत अहंकारी है। और यहाँ यहाँ तो देखो फटाक फटाक निकलती है आत्माएं। भगवान आया तो सबसे पहले किसने पहचाना? कर्नाटक ने पहचाना, कर्नाटक के लोग पहले निकल पड़े। अनाथ इंडिया के देखो अभी भी कोई भी सेंटर नहीं है, हैं भी तो उनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। बांदा है, लखनऊ है, फरुखाबाद है, तीनों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। वारंट निकाले जा रहे हैं। ये पहचान की निशानी है कि न पहचाना है उसकी निशानी है? नहीं पहचाना। और पब्लिक का एक तबका हो तो भी माना जाए, सारे के सारे संस्थाएं, 20 प्रकार की सामाजिक संस्थाएं सारी की सारी पुतले जला रही है। पुतला बनाया, उस पर लिखा, चौराहे पे ले जाके तेरे तरह ले जाके जला दिया। तालियां बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन भक्ति भी यही लोग जास्ती करते हैं बात। करते। नहीं नहीं, भक्ति भी हमने सबसे जास्ती की, उन्होंने थोड़े किए। और ओम शांति।